हर मानक पे आप देखिएगा तो बिहार ने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, बेहतर काम किया है और हम और बेहतर करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच भारत लैब की टीम ने आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाई थी। वो जगह था पटना का वो अस्पताल, हम पटना के गर्दनीबाग अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां भारत लैब की टीम ने आपको जाकर के दिखाई थी कि वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लटका हुआ है, यानी कि जिला वैक्सीन भंडार में ताला लटका हुआ है। लेकिन वो ताला 18 प्लस वाले लोगों के लिए था, 45 साल वाले से नीचे वाले लोगों के लिए वैक्सीन के पर जो है संकट अभी तक मौजूद है। लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जी, इस बात का आज उन्होंने दावा किया कि लगातार जारी है और कभी जो है वो नहीं रुका। मंगल पांडे जी अपने बयान में कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे, ये तमाम चीज़ें कह रहे थे। लेकिन जब भारत लैब की टीम ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की तो जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने इन तमाम चीज़ों पर एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको तो सब पता ही है। जब भारत लैब की टीम, वो अपनी लगातार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग बिहार में किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या आंकड़े हैं, रिकवरी रेट क्या है, वैक्सीन का क्या दर है, ये तमाम चीज़ें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी गिना रहे थे। लेकिन उसी बीच भारत लैब की टीम ने ये भी सवाल कर दिया कि जो 8 दिन से पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में बंद हैं, वैक्सीन बंद हैं 18 प्लस वाले लोगों के लिए, तो इस पर उन्होंने कहा कि आपको तो सब पता ही है। अब मैं क्यों बताऊं, आप देख लीजिए वीडियो। भारत लैब की टीम ने जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इसके बाद जो आरटीपीसीआर टेस्ट की बात हो और जो वाहन जो रवाना किया गया, इस पर क्या कहना। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के काम की सर्वत्र सराहना हो रही है जी। आप देखेंगे जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है जी। आज हर लोग मान रहा है कि जांच हो कि इलाज हो जी, कि टीकाकरण हो, हर काम में बिहार बेहतर है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आंकड़े बोल रहे हैं। आज राज्य में जो एक्टिव केस है पूरे देश में आप देखेंगे तो बिहार 19वें स्थान पर खड़ा है। आज जाँच के मामले में देखेंगे तो बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर खड़ा है, सर्वाधिक जाँच करने वालों में से। आज बिहार के अंदर यदि आप मृत्यु दर देखेंगे तो 0.7% है, जो पूरे देश से कम है। आज पॉजिटिविटी रेट जो केस की है वह देश में जहां लगभग 7% है, बिहार में 1% है। तो उसी प्रकार से रिकवरी रेट आप देखेंगे तो बिहार में 97% है, पूरे देश का लगभग 92%। तो हर मानक पे आप देखिएगा तो बिहार ने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, बेहतर काम किया है और हम और बेहतर करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन जो है गर्दनीबाग अस्पताल में पिछले 8 दिनों से बंद है। टीका सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, टीका की उपलब्धता कम हुई थी जिसके कारण ये कठिनाई हुई है, फिर टीके की उपलब्धता हो गई है और आगे आने वाले दिनों में और उपलब्धता बढ़ेगी तो हम सब लोग ये टीकाकरण के काम को और तेज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।